आ जाओ जी, आपकी मतलब का वीडियो है, क्योंकि आपने फरमाइश की है ना कि मैम इस वीडियो पे डिटेल वीडियो बनाइए। कौन सी वीडियो पे? जिसमें मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था अभी 2 दिन पहले, और मैंने उसमें बताया था कि किसी बड़ी उम्र की महिला के साथ किसी पुरुष को मजा क्यों आता है। तो उसी की ही डिटेल इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ कि अगर कोई छोटी उम्र का पुरुष किसी बड़ी उम्र की महिला के साथ सेक्स करता है तो उसे क्या मजा आता है और क्यों मजा आता है। आज तो मुझे खैर ये भी बोलने की जरूरत नहीं है ना कि इस वीडियो में बने रहना, मुझे पता आप तो नहीं रहोगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, किसी छोटी उम्र के पुरुष को किसी बड़ी उम्र की महिला के साथ मजा इसलिए आता है क्योंकि जो बड़ी उम्र की महिलाएं होती है वो अनुभवी होती है, वो प्यार जताना भी जानती है और बरसाना भी जानती है। कौन से वाला प्यार? सेक्स वाला प्यार। वो खुल के देती भी है और लेती भी है, और सबसे बड़ी बात वो उस पुरुष से वही अभिलाषा रखती है जो वो करने में सक्षम है। वो उससे ये नहीं कहती कि मेरे लिए चांद तारे तोड़ के लेकर आओ, लेकिन हाँ मर्दानगी को जज वो भी करती है। इसके अलावा वो बेड पर खुलकर बिहेव करती है, अपनी इच्छाओं को खुलकर प्रकट करती है, मुझे ऐसे चाहिए ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि इतना टाइम तो वो भी लेकर नहीं आई है ना, उसको भी कम मोमेंट में अपनी जिंदगी को जीना है। तो वो इसमें टाइम नहीं लगाते कि हाँ ये खुद ही मुझे समझता रहे, जग्गा जासूस बन के खुद ही मेरे अंदर का राज जान ले कि मेरे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इन चीजों में वो अपना वक्त जाया नहीं करती, वो खुद बोलकर चलती है भाई मुझे ऐसे करना और ऐसे नहीं करना और तुझे क्या चाहिए तू भी अपना बता दे। तो इतना फ्रेंकली बिहेव उसका बेड पर होता है। यही तो चीज उन कम उम्र के पुरुषों को पसंद आती है जो उन्हें उस औरत से मिलती है, क्योंकि उन्हें वो फालतू की नौटंकी नहीं चाहिए ना कि ऐसे नहीं और वैसे नहीं और ये नहीं और वो नहीं, भाई जो है खुलकर बोल। क्योंकि ज्यादातर जो लड़कियां होती हैं वो ये नहीं कर पाती, वो थोड़ा सा झिझकती हैं, हेसिटेशन फील करती है, उन्हें प्रेगनेंसी का भी डर होता है, शादी वादी में उलझ जाते हैं लड़के लोग कि यार मैं तो सीरियस नहीं था लेकिन ये मुझसे सीरियस हो गई। वो तामझाम उन बड़ी औरतों के साथ नहीं होते। तो उस लड़के को उस औरत के साथ घर बसाना और ना ही वो औरत उसके साथ कोई शादी के सपने देख रही है। तो दोनों जब मिलते हैं तो बस कुदम कुदाई करते हैं, जिस चीज के लिए वो मिले ऑलरेडी माइंड क्लियर होता है, और जब माइंड क्लियर है पर्पस क्लियर है तो चीजों में तो मजा आ ही जाएगा ना करने में। अगर आप सेक्स का ज्ञान रखते हैं तो वो 10 साल बड़ी औरत आपसे ज्यादा जागृत है, वो मजा देना भी जानती है और मजा लेना भी जानती है, बस आपके बाबू राव में जान होनी चाहिए, वो ताकतवर होना चाहिए, वरना गेट वे ऑफ इंडिया देखने को नहीं मिलेगा, वो हमेशा बंद ही रहेगा और 4 गालियां और सुनने को मिलेगी, क्योंकि आप उसके हस्बैंड तो हो नहीं जो वो लिहाज करेगी। तो भाई जिस काम के लिए आप आए हो, उसके घर बसाने तो आए नहीं हो ना, तो जिस काम के लिए आए हो वो काम आप करने में सक्षम नहीं हो तो क्या कर रहे हो। तो यही बोलेगी ना कि चल जा पहले दूध केले पीकर अपनी सेहत बना के आओ, उसके बाद बिल्ली मारने का सपना देखियो। तो ऐसा भी होता है, किसी छोटी उम्र के पुरुष को किसी बड़ी उम्र की महिला के साथ रिलेशन बनाना चाहिए। तो ये सही है या गलत, बनाना चाहिए या नहीं, इसके लिए पहले ऑप्शन तो अवेलेबल होना चाहिए, विकल्प तो होना चाहिए। हलवा थोड़ी ना है कि हर औरत बैठी है आओ जी मेरी ले लो, हर औरत तो खोल के नहीं बैठी भी ना, बैठेगा वो ही जो कि जिसका पेट नहीं भरा हुआ होगा। जिसका पेट भरा हुआ होगा वो क्यों कोई विकल्प ढूंढेगा। कोई अनसेटिस्फाइड महिला है, चाहे रीजन कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, हम किसी को जज नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह फैंटेसी रीजन नहीं होता कि वो जो फीमेल है उसका मन है उसकी फैंटेसी है। कई बार कुछ अलग तरह की परिस्थितियां भी जिम्मेवार होती है कि कोई औरत इस तरह का कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाती है कि वो अपने हस्बैंड से सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर उसका उसका जो हस्बैंड है जल्दी उसे छोड़कर चला गया, वो इस तरह की परिस्थितियों से वो गुजर रही है, कुछ ऐसे कारण जिम्मेवार है जो उसे मोटिवेट कर रहे हैं इस तरह के रास्ते पर चलने के लिए, और उसे कोई विकल्प भी मिल जाता है जो उसको मेंटली हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार है, और वो इस तरह के रिलेशन बिल्डअप कर लेते हैं। तो आप जितना मर्जी बोलते रहिए ये सही है या गलत है, ये सही है या गलत है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इच्छाएं उम्र नहीं देखती, वो सिर्फ विकल्प देखती है कि कौन उसकी जरूरतों को पूरा कर सकता है। लेकिन अपनी जरूरतों के चलते कई बार कुछ महिलाएं गलत चीजों में पड़ जाती है, मतलब उनके साथ गलत हो जाता है कि उन्होंने जिस इंसान को चूज किया अपने लिए वो सही नहीं निकलता। आगे जाके पता लगता है कि वो ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रही है, उसकी फोटो खींच के वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उससे पैसे ऐठे जा रहे हैं, एक्स वाई जेड फिजिकली उसको हरास किया जा रहा है। सेम इसी तरह से कई बार कुछ लड़कों के साथ भी ऐसा हो जाता है कि बड़ी उम्र की औरत के साथ मजे लेने के चक्कर में, वो चस्का लेने के चक्कर में, वो किसी कूगर टाइप औरत के चंगुल में फंस जाते हैं जो उसकी जिंदगी को नरक बना देती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है कि आप जिस इंसान को राजदार बना रहे हो, जिसके साथ अपने वो पर्सनल मोमेंट शेयर कर रहे हो, उसके सामने खुद को निर्वस्त्र कर रहे हो, वो इस लायक है भी या नहीं, वो डिजर्व भी करता है या नहीं, आपकी प्राइवेसी को अपनी प्राइवेसी समझेगा, आपको रिस्पेक्ट देता है। इसलिए जो करना है सोच समझ के कीजिए, कहीं ऐसा ना हो ये 4 दिन का मजा आपके लिए उम्र भर की सजा बन जाए।
एंजॉय करने में कोई बुराई नहीं है, हर इंसान की अपनी जरूरतें होती हैं, लेकिन आप उसके लिए क्या विकल्प अपने लिए देख रहे हो, वो कितना राजदार है, कितनी आपकी प्राइवेसी मेंटेन करता है और कितना आपको इज्जत देता है, वो बहुत मैटर करता है। और रह गई बात, जो लोग मुझसे पर्सनल भी इंस्टाग्राम पे आके इनबॉक्स करते हैं ना कि मैम ये बताइए कि ये चीज सही है या गलत, सही है या गलत, तो जिसको मिल जाए ना वो मुझसे आज्ञा लेने के लिए, परमिशन लेने के लिए नहीं बैठेगा, वो तो मेडिकल स्टोर से जाके हेलमेट खरीदेगा और जाके ले लेगा। क्योंकि मेरी वीडियो को देखने वाला कोई 5 साल का बच्चा नहीं है, कलाकार लोग बैठे हैं, कलाकार। तभी तो आकर बोलते हैं मैम इस वीडियो पे डिटेल वीडियो चाहिए, जो आपने शॉर्ट वीडियो बनाया इसके ऊपर डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, वीडियो बनाओ।